पुलिस केसेस थे, झूठे केसेस थे। 9 मई का जो बलून उठाया गया था हमारी पार्टी को खत्म करने के लिए, हमारे लीडरशिप को खत्म करने के लिए, 9 मई आज अपने बंधक की उसको अंजाम को पहुंचा। ना हमारी पार्टी खत्म हुई, ना हमारे लीडर घबराए, और जो जेल के अंदर कैदी बैठा हुआ है कैदी नंबर 804 इमरान खान इंशाल्लाह इसी तरह सुरखरू होगा, तमाम केसेस इसी तरह खत्म हो गए और आपको इसी तरह पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ मजबूत नजर आएगी। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पहले मीडिया का शुक्रिया अदा करती हूँ, बार बार मैं मीडिया को इससे शुक्रिया अदा करती हूँ कि नेशनल टीवी हमारा मौका नहीं दिखाता। जब हमारे अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब बात करते हैं तो पार्लियामेंट में उनकी आवाज को बीप कर दिया जाता है। आप जो जितना भी नेशनल मीडिया है या जो जितने भी लॉगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आप लोग प्रेशर के बावजूद हमारी बात तमाम 25 करोड़ आवाम तक और दुनिया तक हमारी बात पहुंचाते रहते हैं। मैं आज जितने भी हमारे वकला हजरात हैं, शफीक साहब मेरे साथ यहाँ पे लेफ्ट साइड पे खड़े हैं, चंगेज खान खड़े और जो लीड कर रहे हैं बाबर अवान साहब, और जितने भी हमारे ILF की टीमें, और सबसे पहले जो फैसलाबाद के गयूर आवाम जिनको हम बुलाते भी नहीं थे क्योंकि यहाँ शुरू में बहुत ज्यादा मुश्किल होती थी, सन्नाटा होता था, हमें पहले से अरेस्ट करने की कोशिश की जाती थी, इसके बावजूद वर्कर कारकुनान खवातीन यहाँ में वेलकम करने के लिए आते। मैं फैसलाबाद की मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा करती हूँ, आपने पहले भी इमरान खान का साथ दिया, आपने अब भी हमारा साथ दिया है, मुझे आप सबके ऊपर फख्र है। और जहाँ तक केसेस की बात है, अगर आप अंदर की कोर्ट की हेयरिंग देख लें, जैसे सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग दिखाई जाती है, आप यकीन करें कि आपको हंसी आएगी। उसकी वजह ये है कि अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जज साहिबान ने भी प्रेशर लेने से इनकार कर दिया है, हक के ऊपर मबनी फैसले आपकी तरफ आना शुरू हो जाएंगे, इंसाफ मिलना इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। JID को बार बार आज ATC फैसलाबाद के जज साहब ने फरमाया कि कोई एविडेंस हमारे खिलाफ दे दे, कोई बात हमारे खिलाफ बता दे। उनके पास न कोई ऑडियो है, न कोई वीडियो है, न उनके पास कोई एविडेंस है, फ्रिवलेस केसेस थे, झूठे केसेस थे। 9 मई का जो बलून उठाया गया था हमारी पार्टी को खत्म करने के लिए, हमारे लीडरशिप को खत्म करने के लिए, 9 मई आज अपने बंधक की उसको अंजाम को पहुंचा। ना हमारी पार्टी खत्म हुई, ना हमारे लीडर घबराए, और जो जेल के अंदर कैदी बैठा हुआ है कैदी नंबर 804 इमरान खान इंशाल्लाह इसी तरह सुरखरू होगा, तमाम केसेस इसी तरह खत्म हो गए और आपको इसी तरह पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ मजबूत नजर आएगी। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।